नमस्कार। आज बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स सेकेंड पेपर पहला चैप्टर है आपका आर्थिक विकास का अर्थ माप व महत्व। तो आज हम सब पहला अध्याय आर्थिक विकास का अर्थ, उसकी आर्थिक विकास की माप और आर्थिक विकास का क्या महत्व है, इसका अध्ययन करेंगे। तो आर्थिक विकास की परिभाषा, आर्थिक विकास के तत्व, आर्थिक विकास की माप व आर्थिक विकास का महत्व। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्थिक विकास का अर्थ, तो आर्थिक विकास की जो परिभाषा है, सरल परिभाषा, आर्थिक विकास का अर्थ अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि करना होता है। आर्थिक विकास की जो सबसे पहले सरल परिभाषा है, तो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि करना है। हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इन तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और तीनों क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि को आर्थिक विकास कहा जाता है। यह तीनों क्षेत्रों की उत्पादकता में यदि वृद्धि हो रही है तो कहा जाएगा कि आर्थिक विकास हो रहा है। दूसरी परिभाषा है कि आर्थिक विकास का अर्थ राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके निर्धनता को दूर करना है। आर्थिक विकास की एक और परिभाषा आज आती है हमारे सामने कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके निर्धनता को दूर करना है। राष्ट्रीय आय की एक परिभाषा यह भी है कि हम राष्ट्रीय आय में वृद्धि करें और निर्धनता को दूर कर लें। तो आर्थिक विकास का अर्थ यह भी है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके अपनी देश की निर्धनता को दूर करना। तो इस प्रकार से आर्थिक विकास की जो सरल परिभाषा हमारे सामने आती है वो ये है कि आर्थिक विकास का अर्थ क्या है, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ा लें और आर्थिक विकास राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके अपने देश की निर्धनता को दूर कर लें। आर्थिक विकास की परिभाषा के संदर्भ में ये जानने की आर्थिक विकास की परिभाषा के संदर्भ में दो विचारधाराएं आती हैं। एक विचारधारा का मानना है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि, वही दूसरी विचारधारा का मानना है कि यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाए तो आर्थिक विकास कहा जा सकता है। तो आर्थिक विकास में मायर व वाल्डविक की परिभाषा है कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। मायर व वाल्डविक की जो परिभाषा है यदि उसका विश्लेषण करें तो आर्थिक विकास क्या है, तो आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? दीर्घकालीन प्रक्रिया है, अल्पकालीन नहीं है। कैसी प्रक्रिया है? दीर्घकालीन प्रक्रिया है। और इन दीर्घकालीन प्रक्रिया में परिवर्तन क्या होना है? वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो इस प्रकार से मायर व बाल्डविन की परिभाषा का जब विश्लेषण करेंगे तो मायर व बाल्डविन की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है और इस दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम क्या है, तो परिणाम है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन, एक परिभाषा इस प्रकार से भी बना सकते हो कि आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसमें वास्तविक देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ये मायर व बाल्डविन की परिभाषा से एक परिभाषा और हम आसान सरल शब्दों में बना सकते हैं। दूसरी परिभाषा प्रोफेसर लुईस की है। लुईस का कहना है कि आर्थिक विकास का अर्थ प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि से लगाया जाता है। प्रोफेसर लुईस का कहना है, लुईस ने आर्थिक विकास की जो परिभाषा दी है तो उस परिभाषा के आधार पर प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि, प्रति व्यक्ति उत्पादन में
वृद्धि। अब यहां पर प्रोफेसर लुईस की जो परिभाषा है तो वो प्रति व्यक्ति आय के आधार पे उन्होंने परिभाषित किया है कि आर्थिक विकास क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक विकास कहलाती है। तो प्रोफेसर लुईस ने परिभाषा दी कि प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि को आर्थिक विकास कहा जाता है। इसी प्रकार से प्रोफेसर विलियमसन ने भी परिभाषा दी, तो विलियमसन की जो परिभाषा रही है उसमें उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास से तात्पर्य उस वृद्धि से है या उस प्रक्रिया का बोध है जिसमें किसी देश के या प्रदेश के निवासी उपलब्ध संसाधनों के द्वारा प्रति व्यक्ति वस्तुओं के उत्पादन में निरंतर वृद्धि करते हैं। तो विलियमसन की जो परिभाषा विलियमसन ने दी आर्थिक विकास की, तो उसमें उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास वह वृद्धि है और ये दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसमें देश या प्रदेश उपलब्ध संसाधनों के द्वारा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करता है। एक परिभाषा और प्रोफेसर ब्राइट सिंह की, डी ब्राइट सिंह की आती है उन लोगों के सामने, तो उसमें वो कहते हैं कि आर्थिक वृद्धि से अभिप्राय एक देश के समाज में होने वाले उस परिवर्तन से लगाया जाता है जो अल्प विकसित स्तर से उच्च आर्थिक उपलब्धियों की ओर अग्रसर होता है। उन्होंने परिभाषा को इस प्रकार से दिया है कि परिवर्तन होते हैं, आर्थिक विकास एक में परिवर्तन होते हैं और वो परिवर्तन क्या करता है कि जो अल्प विकसित स्तर है उसको उच्च आर्थिक उपलब्धियों की ओर ले जाता है। यद्यपि डी ब्राइट सिंह की परिभाषा में स्पष्ट रूप से उन्होंने यही कहा कि आर्थिक विकास क्या है, तो आर्थिक विकास वह अवस्था है जिसमें एक देश निर्धनता या अल्प विकसितता के स्तर से ऊपर उठता है। तो इस प्रकार से आर्थिक विकास की जो परिभाषाएं हमारे सामने आती हैं, तो उसके आधार पर आर्थिक विकास के जो प्रमुख तत्व हैं, वो निम्नलिखित हैं। पहला तत्व है कि आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया का तात्पर्य यह है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कोई क्षणिक प्रक्रिया नहीं है, अल्पकालिक प्रक्रिया नहीं है, ये दीर्घकालीन प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, जिसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, देश के निवासियों की आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। तो आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया है। दूसरी विशेषता है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। दूसरी एक विशेषता आर्थिक विकास की यह भी है कि राष्ट्रीय आय, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो तीसरी जो है विशेषता वो है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया दीर्घकालीन है, ये दीर्घकालीन प्रक्रिया है, ये अल्पकालीन प्रक्रिया नहीं है, आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। तो ये आर्थिक विकास के तीन तत्व हैं कि आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है और आर्थिक विकास में होता क्या है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और ये जो प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है वो कैसी है, दीर्घकालीन है। आर्थिक विकास की फिर माप, तो आर्थिक विकास की माप हम कैसे करें, ये हमारे सामने आता है कि एक देश जो है वो अपने उपलब्ध संसाधनों के द्वारा देश में निरंतर प्रगति कर रहा है, अपनी निम्न आर्थिक स्थिति से उठता है, उच्च आर्थिक स्थिति की ओर जाता है, तो आखिरकार फिर हम कैसे पता लगाएं कि एक देश की जो आर्थिक विकास हो रहा है, कैसा कैसे पता लगाएं कि एक देश आर्थिक विकास कर रहा है, तो उसके तीन माप दिए गए हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने तीन माप बताए हैं, जैसा पहला राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रोफेसर मायर बाल्डविन, साइमन कुज़नेट, एंगसन और जेम्स मीड ने पहला जो माप बताया है वो राष्ट्रीय आय में वृद्धि।
इन लोगों का जो तर्क है इन अर्थशास्त्रियों में, जैसे प्रोफेसर मायर, बाल्डविन, कुजनेट एंगसन, जेम्स मीड, तो इनका तर्क यह है कि राष्ट्रीय आय पर प्रति व्यक्ति आय निर्भर है। उनका माप, उनके आधार पर कि आर्थिक विकास की माप हम कैसे करें, आर्थिक विकास की पहली माप जो है वो राष्ट्रीय आय में वृद्धि है। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि के तर्क को उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आय को क्यों माने, क्योंकि राष्ट्रीय आय पर प्रति व्यक्ति आय निर्भर है। दूसरा तर्क उन्होंने दिया कि राष्ट्रीय आय के द्वारा या राष्ट्रीय आय के माध्यम से ही हम एक क्षेत्र, एक देश, दो देश तुलनात्मक स्थिति हम ज्ञात कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो इन विद्वानों का मानना है कि आर्थिक विकास की जो माप है वो राष्ट्रीय आय में वृद्धि से हम पता लगा सकते हैं कि एक देश आर्थिक विकास के किस स्तर पे है। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि राष्ट्रीय आय के स्थान पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को आर्थिक विकास का माप बनाना चाहिए। जैसे प्रोफेसर बुकैनन और प्रोफेसर एलिस, इन लोगों का मानना है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को आर्थिक विकास का मापदंड बनाना चाहिए। और इनका तर्क जो है वो इस प्रकार से है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय से क्या पता चलता है, प्रति व्यक्ति आय से देश में आय के वितरण, यदि आय के वितरण को बताता है, प्रति व्यक्ति आय एक देश में आय के वितरण को स्पष्ट करता है। यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है और यदि आय का वितरण समान नहीं है तो प्रति व्यक्ति आय सबकी बराबर नहीं होगी। तो इसलिए उन्होंने ये तर्क दिया कि प्रति व्यक्ति आय क्या है कि एक देश के आय के वितरण को बताता है। अच्छा, दूसरा तर्क उन्होंने दिया कि प्रति व्यक्ति आय को क्यों मापदंड बनाया जाए, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय जीवन स्तर को बताता है। उपभोग प्रति व्यक्ति उपभोग इसको बताता है, क्योंकि यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है और प्रति व्यक्ति आय कम है तो निश्चित रूप से जानूं कि उपभोग कम है। जीवन स्तर तभी ऊंचा होगा जब प्रति व्यक्ति उपभोग बढ़ जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय का मापदंड जो है वो बड़ा उचित है। कुछ विद्वानों ने आर्थिक कल्याण के तर्क को दिया कि आर्थिक विकास की जो सर्वश्रेष्ठ माप है वो आर्थिक कल्याण है। प्रोफेसर ओकिन और रिचर्डसन ने कहा कि आर्थिक कल्याण में जो वृद्धि है वो आर्थिक विकास के मापदंड का सबसे उचित पैमाना है। वास्तव में ये जो तीन मापदंड है, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय व आर्थिक कल्याण, और ये तीनों मापदंड में कौन सा उचित है, तो विद्वानों का, अधिकतर विद्वानों का मत है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, ये दो जो मापदंड हैं, इन दो मापदंडों का उपयोग किया जाना चाहिए। विद्वानों का मत है कि विकसित देशों के लिए राष्ट्रीय आय का जो मापदंड है वो उचित है और विकासशील राष्ट्रों के लिए प्रति व्यक्ति आय का जो मापदंड है वो उचित है। आर्थिक विकास का महत्व, सभी देशों का लक्ष्य आर्थिक विकास करना है ताकि अपने देश को समृद्ध कर सकें, राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर सकें, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर सकें। तो राष्ट्रीय आय का क्या महत्व है, सभी देश राष्ट्रीय आर्थिक विकास क्यों करना चाहते हैं, तो आर्थिक उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए
सभी देश आर्थिक विकास करते हैं। दूसरा है कि चुनाव पैमाने का विस्तृत होना, और तीसरा है आर्थिक विषमता में कमी। आर्थिक विकास का एक लाभ ये है कि देश में जो आर्थिक विषमता है उस विषमता में कमी आ जाती है। उन्नत जीवन स्तर आर्थिक विकास से देश के निवासियों के आर्थिक स्तर में वृद्धि हो जाती है, उनका जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है, उनके उपभोग का आकार बढ़ जाता है, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, बेरोजगारी कम हो जाती है, आय अधिक हो जाती है। पांचवा है कि आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि। आर्थिक विकास से चूंकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के कारण उनके आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि हो जाती है। और छठा है मानवता में वृद्धि। आर्थिक विकास से प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, इस कारण से उन समृद्धि के कारण से मानवता वृद्धि होती है। सभी राष्ट्र एक दूसरे का सहयोग करते हैं, आर्थिक विकास में सभी देश भागीदारी करते हैं। तो आर्थिक विकास का ये निम्नलिखित छह बिंदुओं के आधार पे ये महत्व बताया गया है। आर्थिक विकास सामाजिक विकास का एक आधार है। एक समाज तभी विकास कर सकता है जब देश के आर्थिक विकास में वृद्धि हो। पूंजी की कमी, गरीबी, दुख, निराश, इन सब को दूर करने में आर्थिक विकास का बहुत अधिक महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद।